बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग निकले हैं वॉकिंग के लिए, और आई थिंक अभी टाइम मैं आपको देख को बता रही हूँ, अभी बजे हैं सुबह के 6, तो 5:30 बजे के हम लोग उठे हैं और जल्दी जल्दी फटाफट से ब्रश वगैरह करके और निकल आए हैं। और चलो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपना वॉकिंग रूटीन। और पता है आज ये मेरा फर्स्ट डे है, बस अचानक से लगा कि मुझे भी जाना है मम्मी और अमीषा के साथ। तो हम लोग ना बाहर रोड पे नहीं जाते, गार्डन में आए। गार्डन में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आजकल गर्मी जो है, तो चलो। पर उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, हेयर वॉश किए, क्योंकि फिर मैंने कोई बात भी नहीं कर पाई। आप देख सकते हो अभी भी पसीना बहुत आ रहा है, जस्ट अभी एसी ऑन किया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, आप लोगों से बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी हम लोग। तो फिर मैंने सोचा चलो अब नहा लेते हैं, शावर लेते हैं, और अब मुझे करनी है पूजा। चलो पूजा करते हैं। और श्रेय देखो उठ गया है। श्रेय उठो भैया, उठो उठो उठो। सो चलो अब चलते हैं पूजा करने के लिए, और उसके बाद फिर देखते हैं मम्मी क्या ब्रेकफास्ट बनाती है। और बहुत गर्मी है, आपके वहाँ कैसा वेदर है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ना मैं नीचे आकर बर्तन वगैरह धो रही हूँ भगवान जी के, और मैंने देखा तो अमीषा ने ना झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और जो मेन एंट्रेंस होता है ना वहाँ भी उसने क्लीन कर दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से पूजा कर देती हूँ। और सुबह सुबह क्या होता है ना, इतना सारा काम होता है, एक साइड पूजा करना होता है, एक साइड फिर बच्चों को भी देखना होता है। बच्चों को भी जो हाइजीन रूटीन होती है उसमें भी हमें ही करना पड़ता है क्योंकि वो अभी इतने छोटे नहीं कर पाते। खैर श्रेय तो बड़ा हो गया है, लेकिन जो गुड़िया है उसके लिए तो फिर हमें करना ही पड़ता है, वो तो अभी 2.5 साल की है। और यहाँ पर ना तो वो अमीषा उसी की देखभाल कर रही थी जब तक मैंने पूजा करी। और यहाँ पे ना मैं भगवान जी को अच्छे से स्नान कराऊंगी, उसके बाद उनको कपड़े वस्त्र पहना करके तिलक करके, और उसके बाद फिर उनको भोग लगा करके आरती कर दूंगी। और साइड बाय साइड ना हम लोगों ने चाय वगैरह बनाने के लिए रख दी थी, तो चाय भी पक रही है मीन वाइज। और श्रेय को उठा दिया तो वो अपना हाइजीन रूटीन कम्प्लीट कर रहा है, और मम्मी ना देख रही है श्रेय को, श्रेय के साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है।
और ना अभी बज रहे हैं सुबह के 11, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है हमारा। मैं ना बच्चों को लेके ऊपर आ गई और मैं श्रेय को लेके ऊपर आई तो पीछे से मन्नत भी आ गई, बोला मोशी मैं भी चलूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा आप भी खेलना वहाँ पर, मैं जब तक भैया को तैयार कर दूँगी। तो मन्नत ने ना सुबह ही नहा धो के रेडी कर दिया था अमीषा ने उसको। यहाँ पर ना मैं श्रेय को अच्छे से नहा धुलाकर और रेडी कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना सुबह सुबह यही टाइम होता है बच्चों का नहलाने का, क्योंकि सुबह घर के काम इतने हो जाते हैं कि फिर टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के लिए, पूजा करना, घर के काम करना, नाश्ता बनाना सबके लिए। तो यही टाइम होता है कि नाश्ते के बाद मैं उसको नहलाऊँ। और आपको पता है घर में इतनी है, मैंने सुबह कपड़े वॉश करके डाले, अभी सुबह 11 बजे तक तो वो ड्राई भी हो गए, सुबह 7 बजे के कपड़े डले ड्राई हो चुके थे। और यहाँ पर ना मैं मन्नू की दो दो चोटी बना रही हूँ, मुझे बड़ी हंसी आ रही क्योंकि बाल उसके ना यहाँ वहाँ बड़े हैं, तो अभी परफेक्ट बड़े नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी वो इस तरीके से बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने कर दिया है मन्नू को रेडी, मन्नू की हेयर स्टाइल देखो, वाह। तो उसके ना वैसे छोटे छोटे बाल है ना, तो ऐसी दो चोटी बनानी पड़ती, बहुत प्यारी लग रही है। मनु यहाँ पे देखो, वाह। ओ हेलो कर दो, हेलो, यहाँ पे श्रेय है। चलो अब दोनों बच्चों को रेडी करते हैं, चलो नीचे जाके मम्मी का थोड़ी बहुत लंच में हेल्प करवाऊंगी। मम्मी और अमीषा नीचे लंच बना रहे हैं और उसके बाद फिर मुझे करना है वीडियो का एडिटिंग और फिर मिलती हूँ आपको। चलो ये सब समेट के रखते, ओके ओके मनु, ओके। लाइक करो, शेयर करो, वाह गुड गर्ल। और ना उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, तो नीचे लंच वगैरह हमारा हो चुका था, उसके बाद का ये टाइम है। तो यहाँ पर ना आफ्टर लंच क्या होता है ना, हम लोग आजकल क्या करते हैं तुरंत ही सारा किचन वगैरह क्लीन कर देते हैं, क्योंकि फिर ना शाम के टाइम बहुत गर्मी लगती है। तो मेरा और अमीषा का यही मानना रहता है कि जब तक हम दोनों हैं मम्मी को काम ना करना पड़े। तो यहाँ पर ना मैंने किचन में पूरा किचन वगैरह प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया, उसके बाद फिर अमीषा पीछे चली गई है बर्तन वगैरह लेके, तो वो बर्तन वगैरह धो लेगी। जब तक मैं किचन का जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी, फिर क्या होता है ना शाम को उठो एकदम क्लीन मिलता है ना। तो बस यही है, अभी हम फटाफट से क्लीन करके फिर जाएंगे ऊपर सोने के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा स्मॉल मॉड्यूलर किचन टूर देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम किचन को मैनेज करके रखते हैं, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों का कैसे हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है हर लोगों के साथ किचन में। तो पहले आप कॉमेंट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी हमारा छोटा सा किचन टूर। और अभी हम लोग लंच वगैरह करके ऊपर आए हैं, और ऊपर आने के बाद मैंने सडनली अपना एक मिनट ओके ऊपर आने के बाद सडनली मैंने अपना ना कमेंट्स वगैरह मैंने रीड किए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कमेंट्स नहीं पढ़ पाए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले एंड मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि वडोदरा से ही बिलोंग करते हैं, और उन लोगों का मुझे कमेंट आया कि वेलकम मैम, वेलकम है आपका वडोदरा में। सो वो सारे जो गुजराती लोग हैं बहुत खुश हुए, सो थैंक यू सो मच। और आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। साथ ही साथ कुछ व्लॉगर हैं उनके भी मुझे कमेंट आए हैं कि मैम आप मेरे चैनल पर आइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। सो डियर, मैं वन बाय वन आऊँगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इतने सारे ब्लॉगर का एक साथ सपोर्ट करना नहीं हो पाएगा। आप भी मेरे रेगुलर वीडियोस देखिए, मैं भी आपके चैनल पर जाऊँगी ज़रूर, और आपका मेरी तरफ से आपके लिए जो भी सपोर्ट बनेगा मैं ज़रूर करूँगी। बस आप मुझसे जुड़े रहिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस इतना ही, आप लोगों से कुछ बात करनी थी बिकॉज ऑफ बहुत दिन हो गए थे ऐसे, मतलब फेस टू फेस बैठ के बात भी नहीं हो पाई थी। और अभी कुछ दिनों से श्रेय की तबीयत भी ख़राब थी, तो फ़िलहाल तो आराम है उसको।
फ़िलहाल तो वो काफ़ी आराम में है और काफ़ी अच्छी उसकी सेहत हो गई है। अभी बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया वो थोड़ी बिगड़ गई थी इस वजह से, लेकिन मैंने सोचा चलो आज टाइम है तो आज आप लोगों से मैं बातचीत करूं, सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला आपके लिए। तो बस कमेंट करते रहिएगा और मैं आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करती हूँ। और व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करना चाहूँगी, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।